फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर बंसीधर कुमार शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्मार्ट ट्रेंड्स 1993। आज चलिए एक और अट्रैक्टिव वीडियो लेकर उपस्थित हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड पार्ट फोर। पार्ट थर्ड अभी तक खत्म कर चुके हैं। पार्ट फोर ये है कंग्रुएंसी से रिलेटेड। इसके पहले वाला ज्योमेट्री का सारा पार्ट डील हो चुका है, जितना भी पॉइंट से लेकर ट्रायंगल तक कितने टाइप क्या सारा चीज डिस्कस हो चुका है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में। अगर वो तीन वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से उसे देखकर देखते तो ज़्यादा बेहतर होते। चलिए अब इसे भी बेहतर तरीके से बिल्कुल नए स्टाइल से घूंट की तरह देने के लिए मैं उपस्थित हूँ कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता। ये सर्वांग समता है क्या? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी एक स्टेट का नाम है। जैसे अगर हम कहीं खड़े होते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहता है कि वो खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो ये हमारा स्टेट है। जब हमारा पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो वो पोजीशन कहलाएगा स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम कहीं बैठे हुए तो सिटिंग कंडीशन में, तो वो कंडीशन है। उसी टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए एक कंडीशन है, एक स्थिति है। वो क्या है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर सेम शेप वाले होंगे और सेम साइज वाला होगा, शेप भी एक तरह का और उनका साइज भी जो यदि एक तरह का है, तो उन्हें हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे अभी भी आपको स्क्रीन पे बहुत सारा पिक्चर दिख रहा होगा। ये पूरा टॉपिक भी हम इसी से खत्म करने वाले, बिल्कुल घूंट की तरह जाएगा, कहीं एक पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है आप इसका 100% लेकर जाएंगे, और अगर बेहतर लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं, सेम शेप और सेम साइज, शेप और साइज में क्या डिफरेंस है? शेप है आकृति और साइज है उसका माप। जैसे यहां पिक्चर दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ट्रायंगल, अलग अलग तरह का पिक्चर दिख रहा है। तो शेप सबसे पहले, सेम शेप, शेप एक तरह का, यानी ये ट्रायंगल, 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 ये ट्रायंगल, ये सारा का शेप एक तरह का। इसी तरह से स्क्वायर, स्क्वायर, इसका शेप एक तरह का, यानी पिक्चर देखने में एक जैसा लगे, तब हम कहेंगे कि उनका शेप एक समान है। और फिर इसमें साइज कहने का मतलब, अगर ये स्क्वायर जो है 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ है इसका, तो इसमें भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यह है साइज। अगर दो ट्रायंगल की बात हम करते हैं तो इस ट्रायंगल में जो यदि ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5 है, तो इसका भी तीनों साइड 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि साइज इक्वल। तो कोई भी वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप यानी देखने में एक समान हो और उनका साइज भी इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि दीज फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये जो पिक्चर हैं, ये जो आकृतियां हैं, ये सारी आकृतियां सर्वांग सम होंगे। तो इसी का डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वैसे सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप एक तरह का है और साइज भी एक तरह का है, वो सारे कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब ये बहुत सारा आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, जैसा कि अभी आपको कट किया हुआ पेपर में दिखलाया था, उसी तरह से यहां देखिए ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबका एक तरह का शेप है, लेकिन साइज एक समान नहीं, साइज एक समान नहीं है। साइज ये दोनों फिगर का एक समान और ये दोनों का एक समान। तो शेप और साइज ये दोनों का एक समान हुआ, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हुए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी वेट कीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या, ये दोनों का शेप भी एक समान और साइज भी एक समान, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट।
अब चलिए कुछ और पिक्चर को देखते हैं। यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तीन रेक्टेंगल दिख रहा है, ये तीनों का शेप बिल्कुल एक समान है, शेप तीनों का एक समान, सारा का सारा रेक्टेंगल है, लेकिन ये दोनों का साइज एक समान और इसका साइज अलग। तो जिसका शेप और साइज दोनों एक समान हो वो फिगर कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी ये वाला रेक्टेंगल इस रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये कंडीशन है कि जब दो फिगर का शेप और साइज एक समान हो जाए तब हम उसको कह देंगे कॉन्ग्रुएंट। ये क्या कंडीशन है, उसका एक स्थिति का नाम है कि जब दो पिक्चर में शेप और साइज एक समान हो जाए तो वो दोनों कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम। तो ये था कॉन्ग्रुएंट। अब चूंकि ज्योमेट्री स्टार्ट पॉइंट से होता है, इसका स्टार्टिंग सारा डिटेल बतला गया दिया गया है, पार्ट वन से पार्ट थर्ड तक यही सब पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया गया है। अगर अभी तक उसे आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो है और बिल्कुल जीरो से, अगर आप कभी ना भी इससे डरते हैं कि नहीं ज्योमेट्री बहुत टफ है, उसका जीरो लेवल फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है उससे आप देख कर देखें, अगर टफ लगेगा तो आप कमेंट कर देंगे, अगर टफ लग रहा है तो कमेंट कर दें, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको टफ नहीं लगे। तो चलिए, चूंकि ज्योमेट्री स्टार्ट पॉइंट से होता है, तो हम पॉइंट से ही सोचते चलते हैं कि क्या कब कन्वर्ट होगा कौन नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है आपको, लेकिन क्या ये एक्चुअल पॉइंट यही है? नहीं, पॉइंट उस छोटे कंडीशन को भी कहते हैं जिसे हम अपने न्यू डाइज से नहीं देख सकते हैं, पॉइंट उस कंडीशन का भी नाम है, इसका ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट। तो जितना भी पॉइंट है सब एक ही समान होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या करते हैं उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस तरह का होगा, ना कि एक्चुअल यही होगा। तो इस तरह का होगा, जितना भी पॉइंट है सारा एक समान है, तो ऑल पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड लाइन, अब ये लाइन के बारे में क्या होगा, तो क्या आपको जो कॉपी में दिख रहा है बड़ा छोटा लाइन या एक्चुअल बड़ा छोटा है? नहीं, क्यों? क्योंकि एक्चुअल लाइन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ना कि ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल लेंथ इसका इनफाइनाइट है, तो जितना भी लाइन है सारे का लेंथ इनफाइनाइट है, तो ये सारा लाइन जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ऑल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, जितने भी लाइन हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। अब रे देख लेते हैं, तब फिर लाइन सेगमेंट देखेंगे। अब रे के बारे में भी वही कंडीशन, दिखने में बड़ा छोटा है लेकिन एक्चुअल इसका लेंथ अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो जब लंबाई ही मालूम नहीं कि कहां तक है, तब आप कैसे चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं? इनफाइनाइट है, सारा इनफाइनाइट है, सबका साइज एक समान हो गया, सब देखने में एक समान है, तो जितना भी रे है वो सारा कॉन्ग्रुएंट। तो ऑल रेज आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, जितने भी रेज हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट, जितने भी लाइंस हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट। अब चलिए समझते हैं लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट है क्या? तो ये हमारी मर्जी से खींचा गया एक पाथ है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ डिस्टेंस हम ले लिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ ले लिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ ले लिए 5 सेंटीमीटर, अलग अलग डिस्टेंस ले लिए। तो शेप तो सबका एक समान है, शेप सबका एक समान है, लेकिन क्या साइज एक समान होगा? नहीं,
जितना भी मर्जी है उतने का ड्रॉ हो सकता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर का कर दिया, 50 का भी कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ हो सकता है। तो हम लाइन सेगमेंट कुछ भी अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कंग्रुएंट कब होंगे, जब इनका साइज भी बराबर होगा, यानी दोनों 4-4 सेंटीमीटर 6-6 सेंटीमीटर इक्वल मेजरमेंट का अगर लाइन सेगमेंट है तो वो इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। तो ए बी, और अगर इसे नाम हम दे देते हैं ई एफ, तो ए बी और ई एफ कंग्रुएंट है, लेकिन ए बी और सी डी कंग्रुएंट नहीं है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर लेंथ्स आर इक्वल, देयर लेंथ्स आर इक्वल। लाइन सेगमेंट तब ही कंग्रुएंट होंगे जब उनका लेंथ बराबर होगा, उन लाइन सेगमेंट्स की लंबाई बराबर होगी। तो ये था आपका पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब इसके बाद स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिकल फिगर एंगल। तो चलिए एंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है उसे देखते हैं। एंगल देखने में सब एक समान, सब में दो रे बना हुआ है, यानी शेप एक समान है, दो रे एक पॉइंट पे मिल रहा है तो उसे एंगल हम कहेंगे, और यही तीनों पिक्चर में दिख रहा है आपको। लेकिन क्या साइज इक्वल है? नहीं। ये एंगल का मेजरमेंट यदि 60 डिग्री, इसका भी 60, यहाँ ये 90 दिख रहा है, तो इसका माप यानी इसके बीच जो फैलाव है, जो ये लाइन ये रेज का झुकाव जो है, इंक्लिनेशन जो है, वो अलग अलग है। इस एंगल का मेजरमेंट अलग अलग है, तो साइज एक समान नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब इनका साइज यानी एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो। तो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन देयर मेजर्स आर इक्वल, देयर मेजर्स आर इक्वल। एंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका माप इक्वल होगा। लाइन सेगमेंट यानी एंगल का माप, लाइन सेगमेंट तभी इक्वल होंगे जब लाइन सेगमेंट का माप यानी लेंथ इक्वल होगा, और रे, लाइन और पॉइंट कभी भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम आगे फिर देखते हैं इसमें ट्रायंगल के बारे में। इसके बाद पिक्चर आता है ट्रायंगल। अगर अभी तक आपको बेहतर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव है, आपके समझने लायक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल या दो से अधिक ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ओनली व्हेन वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब हम उन्हें एक दूसरे पे रखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। अब ये पूरी तरह ढकने का मतलब क्या है भाई? तो देखिए, दो ट्रायंगल ये हैं, ये दो ट्रायंगल को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर रख दिया, अब आपको रीढ़ वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, जब इसके ऊपर ये रख दिए तो अंदर वाला पार्ट ढक गया, यानी उसको ये क्या कर दिया, कवर कर दिया, कंप्लीटली उसे कवर कर दिया। इसी तरह से अगर ये रेड वाले ट्रायंगल को भी ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर रखते हैं तो अब आपको ग्रीन ट्रायंगल नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसी तरह से हम चेक करते हैं ये दो ट्रायंगल्स के बीच में। अब आप देखिए, ये दो ट्रायंगल भी इसमें, ये वाला
येलो ट्रायंगल भी ग्रीन ट्रायंगल को कवर कर लिया, लेकिन अब देखें कि क्या येलो भी ग्रीन को कवर करता है। तो हाँ कर लिया, यानी ग्रीन ट्रायंगल भी येलो को कवर कर लिया और येलो भी ग्रीन को कवर कर लिया, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लिया। देन वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्गुएंट ट्रायंगल। तो ये जो तीनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये कॉन्गुएंट ट्रायंगल हो गए। अब एक और एग्जांपल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। अब देखिए येलो वाला ट्रायंगल रेड वाले ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर कर लिया, लेकिन ये रेड ट्रायंगल जो है ये येलो ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा है। तो कंप्लीट कवर अगर नहीं कर रहा है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही है कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर सके। अब ऐसा इसलिए निकाला गया है कि आपको पहले ही बतलाया कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। सेम शेप तो है, ट्रायंगल दिख रहा है सारा, लेकिन साइज इक्वल तब होगा जब उसका मेजरमेंट यानी तीनों साइड लेंथ इक्वल माप का होगा, और जब तीनों फिर एंगल भी इक्वल होंगे। जब तीनों साइड लेंथ इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा, तो एक दूसरे को स्वाभाविक है कि एक दूसरे को वो ढक लेगा। तो यही अगर एक दूसरे को ढक लेता है तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, वरना वो कॉन्ग्रुएंट नहीं। अब यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी अगर नाम है, यहाँ ए नाम दे दिए, यहाँ बी और सी, डी ई और एफ, तो इसे हम लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए यह तरीका है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, देन वी राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। तब हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अभी आपको बतलाया कि एक दूसरे को पूरी तरह ये ढक रहे हैं तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ढकने का मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों में इक्वल, यानी एंगल ए, अगर ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड नाम दे दिया, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है एक्स वाई जेड, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया, तो ये इसको ढक रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल ए एंगल एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एंगल बी यानी यहाँ वाला एंगल भी नीचे वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा, यानी यहाँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। इसी तरह से ये वाला एंगल नीचे ट्रायंगल के इक्वल, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड होगा। तो अगर दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो तीनों एंगल बराबर हो गए। अब देखते हैं साइड क्या कहता है। तो साइड भी आप देख रहे हैं कि जब ढक रहा है मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का साइड लेंथ इक्वल, जितना इसमें लंबा है उतना नीचे वाले, तो ये साइड लेंथ यानी ए सी और एक्स जेड बराबर। इसी तरह से जितना इधर का लंबाई उतना नीचे वाले का, क्योंकि एक दूसरे को ये कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, तो ए बी जो लेंथ है एक्स जेड एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, इसी तरह से बी सी वाई जेड के बराबर हो जाएगा। यानी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनमें छह चीज होना चाहिए। क्या क्या भाई? तो तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए और तीनों साइड लेंथ इक्वल माप के होने चाहिए। तो यहाँ यही लिख दिए हैं कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देन एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू वाई, एंगल सी इक्वल टू जेड, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इक्वल टू वाई जेड एंड ए सी इक्वल टू एक्स जेड। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि इसको लिखने में कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। लिखने में प्रॉब्लम देखिए, ध्यान से यहाँ देखिएगा, जैसे ये यहाँ से अगर रख रहे हैं तो एक दूसरे को ढक ले रहा है, लेकिन इसे आप इस तरह से रोटेट करके ढक के देखिए तो क्या ढक ले रहा है? नहीं ढक रहा है। ये तो नहीं ढक रहा है, यानी अगर हम ऐसे नाम लिखते हैं कि ऊपर वाला में ये और नीचे वाले में ये पॉइंट, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दूसरे को ढक लिया।
तो यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल, इसी तरह से यहाँ वाला ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो हम दो ट्रायंगल को छह तरीका से लिख सकते हैं। कैसे? वही यहाँ लिख दिया है कि मान लिए कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और एक्स वाई जेड। अब ये ए बी सी एक्स वाई जेड में अगर एंगल ए एक्स के बराबर होगा, बी वाई के बराबर होगा, सी जेड के बराबर होगा, तब तो हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। लेकिन अगर एंगल ए वाई के बराबर हो जाए, यानी ये एंगल इसके बराबर, जैसे कि पिक्चर में आपको इस तरह से अभी दिख रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ऐसे उलट गया, ये उलट गया, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, तो फिर इसके जगह पर इसी को रखेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी में। ये एंगल इसके बराबर, तो इसके जगह पर इसी को रखेंगे। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, तो इसके जगह पे ये वाले पॉइंट का नाम रखेंगे ट्रायंगल में। जैसे यहाँ देखिए, एंगल ए वाई के बराबर हो गया, बी एक्स के बराबर, सी जेड के बराबर। तो इसे जब हम लिखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें क्या लिखेंगे, वाई एक्स जेड। ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई एक्स जेड। इसी तरह से यदि ए एंगल जेड एंगल के बराबर हो जाए, बी वाई के और सी एक्स के, तो फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड बाई एक्स। तो ये इस तरह से, इसमें छह तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये देखना होता है लिखते वक्त कि कौन सा एंगल की चर्चा हो रही है। जो एंगल जिस एंगल के बराबर माप का होगा, उस ट्रायंगल में उस पोजीशन पे, जैसे यहाँ ए फर्स्ट पे है तो वाई यहाँ फर्स्ट पे होगा, अगर ए सेकंड पे लिख दे तो वाई इसमें भी सेकंड पे होगा, अगर ए लास्ट में रहे तो वाई यहाँ लास्ट में होगा। यानी अपना प्लेस इक्वल माप का एंगल धारण करता है, वो एक दूसरे के जगह पे नहीं बैठता। तो ये लिखने में ये सावधानी बरतना होता है। ऐसे जब फिर हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, उस वक्त और डिटेल लिखने के लिए बतलाएंगे। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब चलिए इसमें कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपको मैंने बतलाया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनमें छह चीज इक्वल होगा, यानी तीनों साइड इक्वल माप का और तीनों एंगल माप इक्वल माप का। तो अब मान लीजिए कि कोई आपसे कह रहा है कि दो ट्रायंगल में आप जांच कीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो आपको छह चीज जांचना होगा, यानी तीनों एंगल और तीनों साइड। लेकिन मैथमेटिशियन लोग इसमें ब्रेन लगाए, उन्होंने चेक किया कि तीन साइड यानी तीन एस, इसी तरह से तीन एंगल्स यानी तीन ए, इन छह में से क्या किसी तीन के इक्वल होने से शेष तीन खुद इक्वल हो जाएगा? तो यस, हो जाता है, और उसी का नाम पड़ गया कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी वो क्राइटेरिया जिससे हमें वर्क कम पड़े कॉन्ग्रुएंसी शो करने में। जैसे कॉन्ग्रुएंसी आप शो करने के लिए आपको छह चीज जांचना होता है, यहां तीन से ही आपका काम चल जाएगा, तो उसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कितने, तो पांच तरह का कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, एक्चुअल तीन ही है, वो लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन पांच टाइप का जो बुक में मेंशन होता है उसे देखिए पहले। सबसे फर्स्ट एस ए एस, साइड एंगल साइड, जैसे ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में, जैसे यहां है सेम वही ट्रायंगल यहां भी ड्रॉ किए, ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, मान लीजिए कि ये वाला साइड और ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू डी और ए सी इक्वल टू डी एफ। साथ ही साथ बीच का एंगल ध्यान देना, इसमें बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड के ठीक बीच का, ना कि ये वाला और ये वाला, ये अलग नहीं होना चाहिए। दो साइड अगर इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी शेष जो तीन चीज बचा वो इक्वल होना ही होना है।
तो ये था ए से एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसमें क्या देखना है आपको, दो साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। इसी का नाम है साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, संक्षेप में इसे ए से एस कहते हैं। तो ये था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये एक्सियोम है, यानी इसका प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे देखा गया। जैसे ये दोनों पिक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों कटिंग ट्रायंगल का दिख रहा होगा, इसमें साइड लेंथ देखिए, ये वाला साइड लेंथ इस साइड लेंथ के इक्वली है, और ये साइड लेंथ इसके इक्वली है, और ये एंगल इसके इक्वली है। सिर्फ हम इतना है कि ये शेष नहीं कुछ देख रहे हैं, यानी ये साइड लेंथ जितने का होगा वही ये भी है, जो जिसका माप, इसका माप जितना है उतना ही इसका भी, और एक एंगल इक्वल। देखिए अब ये एक दूसरे को ढक लेंगे, अब ये एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेंगे, पूरी तरह से ढक लेंगे। देखिए ढक लिए, ढक लिया कहने का मतलब है कि ये वाला साइड लेंथ भी इक्वल हो गया। अब ढक रहा है तो ये भी एंगल इक्वल, ये भी एंगल इक्वल, यानी शेष तीन चीज जो बच रहा था, ये साइड इसके बराबर, ये साइड ऊपर नीचे का, और ये साइड ऊपर नीचे का, दोनों इक्वल, और ये एंगल भी इक्वल। तो शेष तीन चीज नीचे बच रहा था, तो ये साइड भी इक्वल हो गया, ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। तो इसी का नाम है ए से एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल देख के बनाया गया। अब नेक्स्ट है ए ए एस, ये क्या है भाई, तो एंगल एंगल साइड, यानी दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, और कोई एक साइड, बीच का साइड नहीं, ध्यान देना है, ए एस ए होता तब बीच का साइड, बीच का साइड नहीं, बगल वाला कोई साइड, तो बगल वाला साइड इसका ले लेते हैं, ये दोनों अगर इक्वल माप का है तो ये ट्रायंगल खुद से इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे देखिए यही दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दो ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। तो देखिए शेष इक्वल होता है कि नहीं, तो इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये एंगल ऊपर नीचे का इक्वल, ये साइड लेंथ दोनों ट्रायंगल का इक्वल, और ये भी बीच वाला भी साइड लेंथ इक्वल। जब सब छो इक्वल हो गया तो वही होता है कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया वर्क कर गया, हमारा काम कर गया। तो यही है हमारा ए ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड। अब इसी का कॉर्लरी है, कॉर्लरी मतलब उसी से आया है ये। जैसे ये ही दो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल सम होता है 180। तो ये नेचुरल बात है कि ऊपर वाला ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो जब जैसे ये दो एंगल लिए थे और ये साइड लिए थे, इसमें भी ये दो एंगल लिए और ये साइड लिए थे, अब हमारा इस ये एंगल इसके इक्वल हो ही गया, तो देखिए बीच का साइड से भी आ गया, ये ए एस ए भी कह सकते थे। तो बस वही इसमें है, ए एस ए एंगल साइड एंगल, यानी कोई दो एंगल ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, और इसके ठीक बीच का साइड होना चाहिए इक्वल। ए ए एस में क्या था कि बीच का साइड नहीं, लेकिन ए एस ए में है ठीक बीच का साइड अगर इक्वल होगा, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे, सर्वांग समत्रिभुज कहलाएंगे। अब चलिए अगला देखते हैं क्राइटेरिया, एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता प्रतिबंध। जैसे ये दो ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अब देखिए इसको एक दूसरे पर ओवरलैप करके देखते हैं, ओवरलैप करने से आपको दिख रहा होगा कि इसका ऊपर नीचे एंगल इक्वल, यहां भी ऊपर नीचे इक्वल, यहां भी ऊपर नीचे इक्वल, यानी तीन बराबर रहने से शेष तीन खुद से बराबर हो गया।
तो जब खुद से तीन बराबर हो गया तो यही तो है हमारा क्राइटेरिया, तो ये वर्क कर गया यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये क्राइटेरिया बन गया उसी तरह से। यानी ये कहता है कि इस एंगल का माप, सॉरी इस साइड का माप इस साइड के बराबर, उसी तरह से इस साइड का माप इसके बराबर हो जाए और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। अब एक और क्राइटेरिया है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड क्राइटेरिया, ये क्या कहता है। तो ये क्राइटेरिया सिर्फ राइट ट्रायंगल में वर्क करता है। अब आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दो राइट ट्रायंगल में क्या कहता है कि राइट एंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल दोनों में, तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल होना चाहिए, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल होना चाहिए, और इसके अलावा दो लेग जो बचा कोई एक इक्वल होना चाहिए, तो ये लेग इसके इक्वल ले ली। अब देखिए एक दूसरे पर ओवरलैप करके देखते हैं, ओवरलैप करने से देखिए ये पूरा पूरा ढक लिया दोनों एक दूसरे को, और शेष भी ये वाला साइड नीचे वाले के इक्वल हो गया, ये एंगल भी नीचे वाले के इक्वल और इसका एंगल नीचे वाले का इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही था हमारा राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसी को देखिए पिक्चर में यहाँ रोकिए हैं, ये एंगल दोनों का 90 होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाला साइड इक्वल होना चाहिए, और शेष कोई एक साइड, अगर ये साइड ले लेते हैं ये, आप वो भी ले सकते हैं साइड, कोई एक साइड इक्वल, तो इसे हम कहते हैं राइट हाइपोटेनस साइड यानी RHS क्राइटेरिया। अब एक चीज और देखिए, आप राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड भी इस साइड के बराबर हो जाएगा। यानी जो SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया था, अब आपको दिख रहा होगा कि वही ये भी हो गया, यानी तीन साइड इक्वल दोनों ट्रायंगल का हो गया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो SSS भी अगर आप जानते हैं तो RHS काम चल जाएगा, अगर आप AS भी जानते हैं तो ASA का काम चल जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप का दोनों चीज। तो कुल मेन क्राइटेरिया हमें तीन ही इसमें याद रखना होगा। अब उन्हें कैसे याद रखेंगे उसे देखिए, इसे याद करने का तरीका क्या है, तो आप इसे याद रखेंगे सास आस 555। अब ये सास क्या है, यानी SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। आस क्या है भाई, तो AAS यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। 555 क्या है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो ये तीन, और यही साइड 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 अभी बतलाया RHS और AAS ASA, यानी एक याद है तो दूसरा खुद से काम हमारा चल जाएगा। तो ये था कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, इसका प्रूफ सेपरेट वीडियोज में देखेंगे, एक एक वीडियो इनके प्रूफ पे देते रहेंगे। अब थोड़ा और है, चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए इसमें है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सेट ऑफ ट्रायंगल्स, यानी दो तीन चार पांच इस तरह से ढेर सारा सेट है, तो उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होगा। तो फर्स्ट, एवरी ट्रायंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों, क्योंकि शेप इक्वल होगा, साइज इक्वल होगा, खुद का ही कह रहा है, तो जितना भी ट्रायंगल है वो खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। नेक्स्ट, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, देन DEF इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ही कहा जाता है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यही है इसमें सेकेंड। और थर्ड कहता है कि इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू GHI, देन ट्रायंगल ABC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू GHI। जैसे तीन ट्रायंगल अभी आपको दिख रहा होगा,
तो मान लीजिए कि ये ए बी सी है, तो ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये वाला डी ई एफ जो है जी एच आई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, आपस में ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा कंप्लीट रूप से। तो ये भी एक दूसरे को ओवरलैप किए, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं ये दोनों। तो यही था थर्ड रिलेशन, यही इनके बीच रिलेशन था। तो आज इतना ही, वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा, तो शेष अगले वीडियोज़ में हम सब फिर देखेंगे सिमिलारिटी के बारे में, इनके प्रूफ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट वाइज इसी तरह से आता रहेगा। तो अगर आपको ये सीरीज बेहतर लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कंटिन्यू इस पे इसी तरह का वीडियो दिया जाता है जो आपका इंटरेस्ट बहुत ही बेहतर कर सकता है, आपका इंटरेस्ट जगा सकता है। अगर आपके घर में कोई जूनियर बच्चा भी है तो वो भी इसे खुशी खुशी अच्छी तरह से समझ सकता है। शेष जय हिंद, देखने के लिए धन्यवाद।